नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एग्जाम टिप। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताज़ा अपडेट के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा का अलग कैलेंडर जारी हुआ है। लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति जारी हुई है प्रयागराज से। देखते हैं क्या क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य के महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की सीधी भर्ती के लिए तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में सोमवार को 9 विषयों के अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है वेबसाइट पर। इस पद के लिए आयोग 3 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लेगा, जबकि स्क्रीनिंग परीक्षा 15 मार्च को प्रयागराज, लखनऊ व गाजियाबाद में आयोजित की जाएगी। लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के तहत 24 नवंबर 2020 को 6 विभागों में 328 पदों की भर्ती निकाली थी। इसमें राज्य के महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 128 पदों की भर्ती होनी थी। अर्हता को लेकर कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और कोर्ट के आदेश पर आयोग ने अर्हता के मानक में बदलाव किया। 14 फरवरी से असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज परीक्षा 2020 के तहत आवेदन ले रहा है आयोग। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि प्रसंगत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पूर्णतः उनसे ऑनलाइन दावे के आधार पर ही स्क्रीनिंग परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा। प्रसंगत प्रश्न पत्र का स्वरूप असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 होगा। प्रश्न पत्र का स्वरूप तय होगा। इसमें अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, हिंदी या संस्कृत में से एक चयन करना होगा। गृह विज्ञान, राजनीति शास्त्र, वनस्पति शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, संस्कृत, हिंदी विषय में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 120% होंगे। संबंधित विषय के 90% व सामान्य अध्ययन के 30% पूछे जाएंगे। वहीं गणित विषय के 100% आएंगे। इसमें 70% गणित के होंगे व 30% सामान्य अध्ययन के होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में अंक समान होंगे और अधिकतम 150 अंकों का होगा। लोक सेवा आयोग की 3 मार्च तक लगेगा ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं 3 मार्च तक, और परीक्षा 15 मार्च को लखनऊ, प्रयागराज और गाजियाबाद के सेंटरों पर आयोजित की जाएगी। यदि हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।